नमस्कार, मैं चिराग सामल आज आपके सामने आत्मनिर्भर भारत अभियान के बारे में अपना मत लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। एक व्यक्ति के लिए आत्मनिर्भरता का मतलब समझने के लिए अपनी दृष्टि पर निर्भरता, मार्ग तलाशने के लिए अपनी चेतना पर निर्भरता तथा निर्णय लेने के लिए अपने विवेक पर निर्भरता। सरल भाषा में कहा जाए तो किसी अन्य व्यक्ति पर निर्भर ना होते हुए एक सम्मान भरा जीवन जीने को ही आत्मनिर्भरता कहा जाता है। इस समय केवल हमारा देश ही नहीं बल्कि पूरा विश्व कोरोना नाम की एक महामारी से जूझ रहा है और पूरा विश्व इसे दूर हटाने के लिए अपनी जी जान लगाकर मेहनत कर रहा है। अगर बात आई हमारे देश की तो कोविड के पहले और कोविड के बाद की अर्थनीतिक व्यवस्था में जमीन आसमान का फर्क रहेगा। इस आर्थिक समस्या को मिटाने के लिए हमारे पास केवल एक ही उपाय शेष है और उसका नाम है संपूर्ण स्वदेशीकरण। इसका यह अर्थ है कि जिन चीजों के लिए हम विदेशी कंपनियों पर निर्भर रहते हैं उन चीजों को हम ज्यादा से ज्यादा हम अपने देश में बना लें। जैसे कि बच्चों का खिलौना, एक आंकड़े से पता चला है कि भारत में बेचे जाने वाले खिलौनों में से 80% सामान चाइना से आता है जिनमें कुछ खतरनाक केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। हम चाइना को केवल खिलौनों के लिए लगभग 2,700 करोड़ रुपए हर साल दे देते हैं। इससे हम केवल चाइना की अर्थनीतिक व्यवस्था को ही बढ़ावा नहीं देते बल्कि हम हमारे देश के बच्चों के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ करते हैं। आपको यह खबर पूरी तरह चौंका देगी कि टिकटॉक के मालिक को केवल भारत देश से ही एक साल में 34 मिलियन रुपयों का मुनाफा हुआ है। हम फर्नीचर के लिए चाइना को लगभग 6,200 करोड़ और चप्पलों के लिए लगभग 2,500 करोड़ प्रति साल दे रहे हैं। सोचिए अगर ये सारा सामान हमारे ही देश में बन जाए तो हमारी अर्थनीतिक व्यवस्था कहां से कहां तक पहुंच जाएगी। इस अर्थनीतिक समस्या को मिटाने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने एक 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है। इसका नाम है आत्मनिर्भर भारत अभियान। ये मुख्यतः किसानों, लघु आयोग तथा एमएसएमई के सशक्तिकरण के लिए बनाया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान में संपूर्णता है, प्राधान्यता है और काबिलियत भी है। आत्मनिर्भर होने के मतलब आत्म केंद्रित होना बिल्कुल नहीं है क्योंकि हमारा देश वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास रखता है। इसका अर्थ यह है कि जब हमारे भारत देश की उन्नति होगी तब पूरे विश्व की भी उन्नति होगी क्योंकि हमारा ये देश विश्व का एक भाग ही है। आत्मनिर्भर भारत अभियान 130 करोड़ की देशवासियों के द्वारा निर्मित किया गया एक विशालकाय यज्ञ है जिसको पूर्ण करने के लिए हम सभी को अपना सहयोग देना ही होगा। हमारे इस देश का इतिहास सदियों से भव्य रहा है और हमें इसकी भव्यता पर गर्व होना चाहिए। ऋषि मुनियों की ये दिव्य भूमि भारत की दिव्यता को हमें कायम रखना होगा। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।